तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से मॉडल टू, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5000 फॉर 2 ईयर्स एट 12% पर एनम। तो बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को समझना, राइट? क्या कैलकुलेट करना है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? सो बहुत क्लियरली दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऑन रुपीज 5000। हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑन रुपीज 5000 का मतलब है प्रिंसिपल है 5000 रुपीज। टाइम पीरियड दिया गया है 2 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। और अगर आप देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल सही फॉर्मेट में दिया गया है, 12% पर एनम, जो कि रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, एंड टाइम पीरियड भी ईयर्स में है। तो डायरेक्टली इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? कैसे कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट? फॉर्मूला होगा पी इंटू 1+R/100 होल टू द पावर ऑफ टी माइनस पी, राइट? पी है प्रिंसिपल, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी है टाइम पीरियड। और इसमें से अगर हम पी कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा? पी ऑफ 1+R/100 होल टू द पावर ऑफ टी माइनस 1, राइट? हमने पी कॉमन लिया है सो माइनस 1 आएगा। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और अगर अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सो इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में हम प्रिंसिपल ऐड करेंगे। So, minus p and plus p cancel हो जाएगा, क्या बचेगा? p into 1+R/100 whole to the power of t, जो है total amount का formula। लेकिन क्योंकि question में compound interest calculate करना है, हमें इसी formula में दी गई values को substitute करना है, right? So, substitute करते हैं, compound interest will be equal to, principal है 5000, right? 5000, ये formula use कर लेते हैं। Basically same है, यहाँ पर हमने p common लिया है, so हम 5000 को common ले लेते हैं। 1+R/100, so 1+R, r की value है 12, राइट? डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर्ड, राइट? पावर टी, सो टी की इक्वल, टी की वैल्यू है 2, सो पावर 2 माइनस 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये क्या होगा? 4 × 3 एंड 4 × 25, सो बेसिकली 1+3/25। और नेक्स्ट स्टेप इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें, 5000 कॉमन है, 1+3/25, सो ये होगा 25+3 = 28 होल स्क्वायर्ड माइनस 1। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन होगा। 28 स्क्वायर होता है 784 डिवाइड बाई 25 स्क्वायर होगा 625 माइनस 1। ऑलराइट, तो इसे अगर आप फिर से सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा? 784 माइनस 625 बाई 625, राइट? हम यहां पर एलसीएम 625 लेंगे, तो 784 माइनस 625 बाई 625। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 5000 इंटू 784 माइनस 625, कितना होगा? 784 माइनस 625 84+75, सो ये हो जाएगा 159 डिवाइड बाय 625। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 5000 और 625 हम शायद कैंसिल कर सकेंगे, राइट? 600 इंटू 8 होता है 4800, 25 इंटू 8 है 200, सो 4800 प्लस 200 हो जाएगा 5000, राइट? सो बेसिकली 625 × 8 हो जाएगा 5000, या फिर आप 25 से कैंसिल कर सकते हैं, राइट? 25 × 25 625 25 × 200 हो जाएगा 5000, एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से कैंसिल कर सकेंगे, राइट? 25 × 1 25 × 8, सो बेसिकली 5000 × 625 = 8। सो फाइनल आंसर क्या होगा? 8 × 159 8 × 159, सो 8 × 150 + 8 × 9 8 × 150 है 1200 एंड 8 × 9 = 72, सो 1272, सो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1272। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड सिंप्लीफाई करना है, राइट? ऑफ कोर्स आप कैलकुलेशन कितना क्विकली करते हैं उस पर डिपेंड करता है आपको कितना टाइम लगेगा, राइट? वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमें यहां पर पावर टी यूज करना है, राइट? होल टू द पावर ऑफ टी। अब 2 ईयर्स है तो ओके है, लेकिन अगर 3 ईयर्स हो तो किसी वैल्यू का क्यूब लेना, स्पेशली 28/25 क्यूब, ऐसा कुछ सिंप्लीफाई करना बहुत लेंदी हो जाता है। एनीवे, करेक्ट आंसर है 1272, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से आप फॉर्मूला यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चंस बिना फॉर्मूला यूज किए सॉल्व करेंगे स्मार्ट मेथड में। और ये स्मार्ट मेथड है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस, राइट? हमने परसेंटेजेस के कई सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ये शायद आपको इजी लगे अभी, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला याद करना है, लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दी जाए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा,
राइट। तो देखते हैं कि क्या है स्मार्ट मेथड जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को और भी इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट यूज करने रहे, हमने डिस्कस किया था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, हमें फर्स्ट ईयर में तो इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट दोनों पर इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। यही होता है कंपाउंडिंग प्रोसीजर। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट होगा, राइट, सेम इंटरेस्ट मिलता रहेगा एवरी ईयर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्रीज होगा ईयर बाई ईयर, राइट। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि हर बार हम इंटरेस्ट जो पहले हमने गेन किया है उसे प्रिंसिपल में ऐड करते जाएंगे, तो इसलिए प्रिंसिपल इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे प्रिंसिपल इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को, उसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। सी, क्लियरली हमें दिया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, राइट। तो जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट के केस में किया था, हम इंटरेस्ट को परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, यहां पर भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 12% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। तो प्रिंसिपल हम जनरली 100% कंसिडर करते हैं, राइट, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का केस हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का केस, प्रिंसिपल हमेशा 100% कंसिडर किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 12% ऑफ 100% जो हो जाएगा 12%, राइट। यह है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब देखते हैं सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट का केस होता तो हम लेते 12%, सेकेंड ईयर में भी 12%, टोटल 24%, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, सेकेंड ईयर में हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखते हैं उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ध्यान रहे ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में एक तो हमें प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, 12% ऑफ 100%, 12% हो जाएगा। दूसरा हमें एक और स्मॉल पोर्शन मिलेगा, ये क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, राइट। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 12%, 12% ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 12%, सो 12% ऑफ 12%, राइट। सो ये होगा 12% प्लस 12% ऑफ 12%, राइट। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, और ये जो दो टर्म्स हमें लिए हैं ये सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट, राइट। क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, फर्स्ट ईयर में 12% ऑफ प्रिंसिपल, 12% ऑफ 100, 12% मिलेगा, सेकेंड ईयर में 12% ऑफ 100, 12% यहां आ गया, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट किसकी वजह से है, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट की वजह से, यहां पर हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, राइट। अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 12% ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा जो कि है 12%, सो 12% ऑफ 12%, राइट। ध्यान रहे दोनों वैल्यू सेम है लेकिन दोनों के मीनिंग अलग है। ये जो 12% हमने लिया है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप ऑब्जर्व करें ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, 12% के रेट पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये जो सेकेंड 12% हमने लिया है ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर है, अगर आप इसे समझ रहे, राइट। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है 12%, उस पर हमें 12% मिला है, 12% ऑफ 12%। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम कंपाउंड इंटरेस्ट को परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ध्यान रहे अगर आप सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स यहां पर कंसिडर करें, 12% प्लस 12%, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट, राइट। फर्स्ट ईयर में 12%, सेकेंड ईयर में 12%, ये सिंपल इंटरेस्ट है 24%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, राइट, ये है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, राइट। तो अभी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सी 12% प्लस 12% 24% प्लस 12% ऑफ 12% एक्स परसेंट ऑफ वाई परसेंट, हमने परसेंटेजेस में डिस्कस किया था एक्स परसेंट ऑफ वाई परसेंट होता है एक्स वाई बाई 100%, सो एक्स वाई बाई 100 कितना होगा यहां पर 12 × 12/100, 12 × 12 = 144, 144 by 100 = 1.44, so 1.44%. अगर आप फॉर्मुला यूज करते हैं तो आपको वैल्यू आएगी 1272 रुपीज है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1272। अभी तक हमने जो कैलकुलेशन किया है ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज के टर्म्स में, राइट। अब देखते हैं इसे फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, राइट, प्रोसेस सिंपल यानी अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी है, फर्स्ट ईयर ओनली ऑन प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर ऑन प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। अब देखते हैं कैसे इसे फाइनली हमें कैलकुलेट करना है। सी, क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है, ये जो 5000 रुपीज है ये है प्रिंसिपल अमाउंट, राइट, और हमने डिस्कस किया था ये टाइम पीरियड एंड ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे हमने डिस्कस किया है पहले सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी और इस एग्जांपल में भी कि प्रिंसिपल को हमेशा 100% कंसिडर करना है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100%, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल की वैल्यू 5000 दी गई है, तो क्या हम 100% को 5000 से इक्वेट कर सकते हैं, यस, 100% इज इक्वल टू 5000।
हमें क्या कैलकुलेट करना है 25.44%। एक्चुअली हमें कंपाउंड रेट कैलकुलेट करना है जो कि हमने कैलकुलेट किया है 25.44%। तो अगर 100% 5000 हो तो 25.44% कितना होगा, 100% अगर 5000 है तो 25.44% कितना होगा, बस इसी को अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। 100% इज 5000, 25.44% इज इक्वल टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कंपाउंड कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल स्टेप क्या होगा, सी आई इज इक्वल टू 25.44 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो जीरोस यहां पर कैंसिल हो जाएंगे, 25.44 इंटू है इसका फाइनल आंसर। तो 25.44 इंटू 50 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। हमने कई मेथड्स डिस्कस किए हैं मल्टीप्लीकेशन के, अगर आप स्पीड मैथ्स का वीडियो देखें उसमें कई सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू मल्टीप्लीकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट। अगर आप मुझसे पूछे कि कैसे एक्चुअली इसको करेंगे तो बहुत सिंपल होगा, अगर हम 50 को 100 बाय 2 अज्यूम कर लें। अज्यूम करना क्या है, 50 इज इक्वल टू 100 बाय 2, हम सभी जानते हैं 50 इज इक्वल टू 100 बाय 2। सो 25.44 को 50 से मल्टीप्लाई करने की जगह हम 25.44 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे 2 से डिवाइड करेंगे, सेम आंसर आएगा। सो 25.44 इंटू 100 कितना होगा, 2544 डिवाइडेड बाय 2। सो बेसिकली हमें इसका हाफ लेना है, 2544 का हाफ लेना है। 2544 का हाफ कितना होगा, 2400 का हाफ होता है 1200 एंड 144 का हाफ होगा 72। सो 1200 प्लस 72 1272, ये है हमारा फाइनल आंसर। जैसे कि हमने प्रीवियस केस में भी कैलकुलेट किया था 1272, डिफरेंस इतना ही है कि यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो कि फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला है और यहां पर हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज किया है, राइट। तो इस तरह से आप कंपोनेंट्स के क्वेश्चंस को परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एक बार फिर से मैं आपको ये समझा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लें तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। शायद अभी आपको यही इजी लगे क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है एंड देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करना है, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दी जाए तो काफी टाइम लगेगा इस तरह का सिंप्लीफिकेशन करने में, राइट। यहां पर हमने कुछ एक स्टेप्स कट डाउन कर दिए हैं मेंटल कैलकुलेशन करके, अगर आप कैलकुलेशन में स्ट्रांग ना हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑफकोर्स कैलकुलेशन में अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो ये भी आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन ओवरऑल आप समझने की कोशिश करें तो ये बेटर मेथड है। सो फर्स्ट ईयर में 12% मिलेगा प्रिंसिपल का, सेकंड ईयर में भी प्रिंसिपल का 12% मिलेगा और एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, 12% ऑफ फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। सो 12 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 12%, 12% ऑफ 12%, इसे हमें सिंपलीफाई करना है। अब चलिए इसको और थोड़ा इजी बना देते हैं, राइट। अभी ऑलरेडी ये इजी है, सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसे समझना हम और भी इजी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, परसेंटेजेस का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर आप याद करें परसेंटेजेस में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जिसका नाम है इफेक्टिव परसेंटेज, नेट और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, नेट और इफेक्टिव परसेंटेज। और हमने डिस्कस भी किया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई टॉपिक्स में यूज किया जाएगा, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और भी कई सारे टॉपिक्स है जिसमें हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, मेंसुरेशन एक्सेट्रा। और प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा ही होगा कि कैसे हमने उसे यूज किया, राइट। एक क्वेश्चन टाइप था जहां पर हम नेट और इफेक्टिव परसेंटेज चेंज यूज करके उसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, यहां पर भी हम वही करेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करें ये नेट और इफेक्टिव परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है। नेट और इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर लिख लेता हूं, राइट। नेट और इफेक्टिव परसेंटेज होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। यानी जब भी हमें कोई दो परसेंटेज दिए जाएं और हमें ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ध्यान रहे कंपाउंड इंटरेस्ट भी नेट और इफेक्टिव परसेंटेज का ही एक केस है। तो ये है परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट जिसे यूज करके हम कंपोनेंट के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें या फिर इसको यूज करके परसेंटेज इफेक्टिव परसेंटेज कैलकुलेट करें एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या है ए और बी, यहां पर ए है फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बी है सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जनरली क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है, फर्स्ट ईयर में जो रेट है सेकंड में भी वही रेट रहेगा। जैसे यहां पर देखें अगर आप फॉर 2 इयर्स एट 12% पर, फर्स्ट ईयर में 12% मिलेगा, सेकंड ईयर में भी 12% पर ही हम चार्ज करेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा मिलेगा ये अलग चीज है, राइट, लेकिन रेट सेम है, 12% पर ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, हमने रेट चेंज नहीं किया। तो ए है फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट और बी है सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि जनरली इक्वल रहेगा, राइट, ए एंड बी दोनों सेम रहेंगे। सो ए इज इक्वल टू 12 एंड बी इज ऑल्सो इक्वल टू 12, दैट्स इट। अब हमें इस फॉर्मूला में रेट ऑफ इंटरेस्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आप ये सब समझना नहीं चाहते हैं, ध्यान रखें सी आई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%, वेयर ए इज फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बी सेकंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, कई बार क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तब भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा,
इतना ही है कि ए की जगह हम 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे और बी की जगह 15, राइट। जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमें चेंज करना है। अगर सेम है तो दोनों ए और बी इक्वल रहेंगे, तो इसका फाइनल कैलकुलेशन क्या होगा, 12 + 12 + 12 × 12/100। हमने यहां पर ऑलरेडी किया है कैलकुलेशन, 12 × 12/100, 12 × 12 = 144, 144 / 100 होगा 1.44, ये कैलकुलेशन। एंड 12 + 12 हो जाएगा 20, ये कैलकुलेशन। टोटल ऐड करेंगे 25.44। तो बस आप ध्यान रखिए कि CI is equal to net और effective percentage change, बस rate of interest substitute करके फिर cross multiply करेंगे। मान ले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 15% पर आने, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर आने, टाइम पीरियड है 2 years, क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बस इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। सो 15% फॉर 2 years, सी मेंटली आप कर सकते हैं, आपको पेपर वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। 15 + 15 + 15 × 15/100, अब 15 × 15 कितना होता है, 225, राइट। 225/100 2.25, 15 + 15 कितना है 30 + 2.25 = 32.25। तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 32.25%, बस जो भी दिया गया प्रिंसिपल है उस पर हमें उस परसेंटेज को अप्लाई करना है, आंसर क्या फिट करना है, राइट। यहां पर देखिए अगर वही क्या है 25.44% of 5000, अगर आप समझे जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया है क्या होता है, आपको एक्चुअली ऐसे लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी जरूरी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 25.44%, 25.44% ऑफ व्हाट, ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाएगा, तो 25.44% ऑफ प्रिंसिपल जो है 5000। कैसे कैलकुलेट करते हैं 25.44% ऑफ 5000, 25.44 by 100 into 5000, x percentage of y, x by 100 into y, तो वही हमने किया है इंडायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, मतलब है आंसर आपको आ जाएगा, राइट। तो सिर्फ इतना ही है कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा क्विक एंड शार्प होना पड़ेगा, अगर वो आपका वीकेस्ट पॉइंट है या वो आपका अगर वीकर एरिया है देन डिफिकल्ट होगा। चाहे मैं आपको और भी कोई शॉर्टकट दे दूं, आपको डिफिकल्ट ही है क्योंकि कैलकुलेशन तो करना ही है, चाहे आप शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करें या फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला यूज करें या कोई एक टेक्निक जैसा यूज करें, कैलकुलेशन तो करना ही है। तो ध्यान रहे कि कैलकुलेशन पर फोकस करें, अगर आप कैलकुलेशन अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं देन जो भी मेथड हो इजिली आप फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम एंड टाइम पीरियड है 2 years, 9% टाइम पीरियड है 2 years, कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 9 + 9 + 9 × 9/100, 9 × 9/100 0.81, राइट, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेट करने में, 0.81, 9 + 9 = 18, 18 + 0.81 = 18.81%, दैट्स इट। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 18.81% ऑफ प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल है उस पर कैलकुलेशन कर लीजिए। एंड ऑप्शंस पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का कैलकुलेशन करना है। मान लें अगर ऑप्शंस इस तरह से दिए गए हैं कि आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं देन 18.81 को आप अप्रोक्सीमेटली 19% कंसीडर करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। यहां पर भी कैलकुलेशन करना है लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑप्शंस, राइट। जैसे यहां पर अगर आप देखें 25.44 हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन ऑप्शंस अगर इस तरह से दिए जाएं कि बहुत इजीली हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं देन 25.44 करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 25% कर लेते हैं। कितना होगा 25% ऑफ 5000, 25% होता है 1/4, 1/4 ऑफ 5000 1250, सो अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा 1250, दैट्स इट। देख ले ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन 1250 से क्लोजेस्ट है, उसी को हम मार्क कर सकते हैं। अगर मान ले दो ऑप्शंस हैं जो कि 1250 से क्लोजर है, एक लेस देन 1250 है, एक मोर देन 1250, तब कैसे डिसाइड करेंगे, एक्चुअल परसेंटेज था 25.44, हमने अप्रोक्सीमेटली लिया 25, अब एक्चुअल वैल्यू मोर है, एक्चुअल परसेंटेज मोर है, अगर एक्चुअल परसेंटेज मोर है तो एक्चुअल आंसर भी मोर होगा, तो एक्चुअल आंसर 1250 से मोर होना चाहिए, आई मीन 1250 से ज्यादा होना चाहिए, तो जो भी 1250 से ज्यादा है उसे आप मार्क कर सकते हैं। डिपेंड करता है ऑप्शंस पर, अगर ऑप्शंस क्लोज हो तो तब शायद अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे, लेकिन अदरवाइज भी कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, राइट। सो ध्यान रहे मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है, a + d + ab/100%, जहां पर a है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड b है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड ईयर। तो मॉडल 2 से एग्जांपल 2 डिस्कस करने के पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं वो कॉन्सेप्ट जिसे यूज करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो है नेट और इफेक्टिव परसेंटेज, राइट। जैसे कि हमने एग्जांपल 1 में डिस्कस किया है, तो ध्यान रहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा a + b + ab/100%, जहां पर a है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर
एंड बी है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर. जनरली ए एंड बी दोनों इक्वल होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में अलग अलग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट दिए जाए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए, तब भी हमें यही फॉर्मुला यूज करना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%. और अगर पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बहुत सिंपल है, ए प्लस बी. राइट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे होगा? सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे ए प्लस बी परसेंटेज, जहां पर ए है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर एंड बी है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर. राइट, जो एडिशनल अमाउंट हमें मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो होगा ए बी बाई 100. राइट, ए प्लस बी परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही है, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट है ए बी बाई 100%. एनीवेज, तो ये है वो कॉन्सेप्ट. राइट, हमने सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन किए थे मॉडल वन में, एंड इस फॉर्मूला को यूज करके हमने मॉडल टू का एग्जाम्पल वन सॉल्व किया है. एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं इन दोनों को फिर से समझने के लिए. राइट, मान ली कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% पर एनम. राइट, 14% पर एनम एंड टाइम पीरियड है 2 years. टाइम पीरियड है 2 years. हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट. कैसे करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 14 प्लस 14% जो है 28%. राइट, 2 times क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टाइम पीरियड 2 years है. सो फर्स्ट ईयर में 14%, सेकेंड ईयर में 14%, ये हो जाएगा 28%. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करेंगे? वैसे तो आप मेंटली कर सकते हैं इन कैलकुलेशंस को, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं क्लियरली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं. अदरवाइज 14 प्लस 14 प्लस 14 × 14/100 डायरेक्टली करना भी बहुत इजी है. तो 14 प्लस 14 × 14/100 तो ये कितना आएगा? 14 प्लस 14 होता है 28. बेसिकली जो भी हमने ऐसा ही कैलकुलेट किया. राइट, ए प्लस बी तो सेम ही रहेगा 28, एक्स्ट्रा पार्ट है 14 × 14/100. सो 14 × 14 होगा 196. 96 by 100 1.96 so 28 plus 1.96 29.96 percentage. टाइम 2 years है तब तो सही है, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर टाइम 3 years हो या 4 years हो, तब हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट तो कॉम्प्लेक्स नहीं है. सिंपल इंटरेस्ट में तो चाहे 3 years हो या 4 years, इसी को हमें ऐड करते रहना. राइट, 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 एंड सो ऑन. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे किया जाएगा? क्योंकि फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100. तो देख लेते हैं कि कैसे हम करेंगे अगर टाइम पीरियड 3 years. राइट, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट मान ले 10% पर एनम है एंड टाइम पीरियड है 3 years. तो अब कैसे हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें? सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी है, 10 प्लस 10 प्लस 10. राइट, ए प्लस बी प्लस सी कह सकते हैं. राइट, 10 प्लस 10 प्लस 10, सो 10 प्लस 10 प्लस 10% सो टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा 30%. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? डेफिनेटली मोर देन 30. राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, तो मोर देन 30 लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा? कैसे करेंगे? सी, फॉर्मूला सेम रहेगा चाहे 2 years का टाइम पीरियड हो या 3 years या 4 years. हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है, अपना कोई नया फॉर्मूला डिराइव ना करें कि अगर 2 years के लिए a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 है तो 3 years के लिए a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी बाई 100 या फिर ए बी सी बाई 1000. राइट, हमें कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं करना है, सेम फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100. बस इतना ही है कि हमें 2 times इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है. जैसे कि अगर आप देखें क्या है यहाँ पर, 10% 3 times है, फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 10% एंड थर्ड ईयर में 10%. तो सबसे पहले तो हम इन दोनों वैल्यूज पर, जो फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. कैसे? ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 यूज करके. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना आएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 × 10/100, जो कि हम करते आए अभी तक. सो 10 प्लस 10 प्लस 10 × 10/100 कितना होगा? 21%. तो ये हो गया सी आई फॉर 2 years, फर्स्ट 2 years 10 प्लस 10 प्लस 10 × 10/100 21%. अब अगर आप देखें तीनों वैल्यूज में से 2 values तो हमने ऑलरेडी यूज कर ली जो फॉर्मूला है उसमें, अब एक नया 10% बचा है जो कि थर्ड ईयर का है. तो इस 10% को हमें जो प्रीवियस रिजल्ट आया है उन दोनों को मिलाकर फिर से ए प्लस बी प्लस ए बी पर अप्लाई करना है. तो ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 years का कितना होगा? जो फर्स्ट 2 years का आया है 21% प्लस थर्ड ईयर का है 10% प्लस 21 × 10/100. कोई डिफरेंस नहीं है. अगर आप देखिए सेम फॉर्मूला है बट हम 2 बार अप्लाई कर रहे हैं, 21 प्लस 10 प्लस 21 × 10/100. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट 2 years को एक सिंगल पीरियड कंसीडर करेंगे जिसका इंटरेस्ट आया है 21. अब 21 को और 10 को हमें दोनों को अप्लाई करना है. तो आप इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि 2 years हैं और दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है. फर्स्ट ईयर में है 21, सेकंड ईयर में है 10. और जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट अलग भी हो
तभी यही फॉर्मूला यूज करना है. सो 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बाई 100 कितना आएगा, 21 प्लस 10 होगा 31 और यहां पर आएगा 2.1, 31 प्लस 2.1 33.1 परसेंटेज. तो ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 इयर्स के लिए और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 30%. तो जैसे कि आप देख सकते हैं सेम फॉर्मूला है, मल्टीपल टाइम अप्लाई करना है. सिमिलरली अगर मान ले 4 इयर्स के लिए दिया जाए तब क्या होगा, 10% 10% 10% 10% 4 वैल्यूज है. अब हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि चारों 10 परसेंटेजेस को हमें a प्लस b प्लस ab बाय 100 में यूज करना है. तो पहले इन दोनों को यूज करेंगे, कितना आएगा 21, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है प्रीवियस केस में. अब 21 को हमें थर्ड ईयर से अप्लाई करना है, a प्लस b प्लस ab बाय 100, फिर एक नया रिजल्ट आएगा और इस रिजल्ट को लास्ट जो 10% है उस पर अप्लाई करना है. जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4 इयर्स. लेकिन अगर आप स्मार्टली से सॉल्व करें तो हम नेक्स्ट स्टेप में 21 और 10 को अप्लाई नहीं करेंगे, हम 10 और 10 को फिर से अप्लाई करेंगे. सी बेसिकली कोई रूल नहीं है कि हमें पहले फर्स्ट 2 परसेंटेजेस लेना है और उसके बाद थर्ड परसेंटेज लेना है. आप जिस भी ऑर्डर में अप्लाई करें फाइनल आंसर सेम आएगा. बस इतना ही है कि हर परसेंटेज वैल्यू को हमें एक बार उस फॉर्मूले में यूज करना है. तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट 2 को यूज कर लिया है, अब रिजल्ट को सेकेंड थर्ड वन से यूज करने की जगह हम थर्ड वन और फोर्थ वन को यूज करेंगे. एडवांटेज क्या है यहाँ पर, ये सेकेंड स्टेप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट दोनों में 21 आया था तो सेकेंड दोनों में भी जो थर्ड एंड फोर्थ ईयर की वैल्यू उनमें भी 21 ही आएगा. अब बचा क्या, इस 21 और 21 पर हमें a प्लस b प्लस ab बाय 100 अप्लाई करना है. तो कितना आएगा, 21 प्लस 21 प्लस 21 इनटू 21 बाय 100. सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स 21 प्लस 21 प्लस 21 इनटू 21 बाय 100. 21 स्क्वायर कितना होता है, 441. 441 बाय 100 4.41 और 21 इन 21 होगा 42. सो 42 प्लस 4.41 46.41% ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 4 इयर्स. अगर सिंपल इंटरेस्ट हो 4 इयर्स तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है 46.41%. अब अगर 5th ईयर होता है तो एक और 10% ऐड करना है, तब हम क्या करेंगे, 46.41 और 10% पर फिर से a प्लस b प्लस ab बाय 100% अप्लाई करेंगे अगर सॉल्व करना हो तो. लेकिन ध्यान रहे जनरली क्वेश्चंस 2 इयर्स या 3 इयर्स के लिए पूछे जाएंगे, राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर रिलेटेड क्वेश्चंस 2 या 3 इयर्स के लिए पूछे जाते हैं. अगर 4 इयर्स या 5 इयर्स के लिए पूछा जाए तो बेटर यही होगा कि आप उन क्वेश्चंस को अवॉइड करें, राइट. जस्ट बिकॉज आपको कोई मेथड पता है या फॉर्मूला पता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व करना है, क्योंकि अगर 5 इयर्स के लिए पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो काफी टाइम लगेगा सिंप्लीफाई करने में. यहां पर तो हमने 10% लिया तो शायद थोड़ा इजी हो गया कैलकुलेशन, और मैंने 10% इसलिए लिया ताकि आप इजीली समझ सकें. लेकिन अब ध्यान दें अगर 12% पर करना हो तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, राइट, क्योंकि 12 + 12 + 12 × 12 तो ओके है 25.4 पर आएगा, लेकिन फिर 25.44 को 12 से अप्लाई करना है. So 25.44 plus 12 plus 25.44 into 12 by 100. कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगेगा इसे सिंप्लीफाई करने, राइट. इजी है अगर 10-10 अप्लाई करना तो इजी है, लेकिन 12 हो या 13 हो या 11 भी हो तो डिफिकल्ट हो जाएगा. तो उस केस में अगर आपको 4 इयर्स के लिए या 5 इयर्स के लिए कैलकुलेट करना हो तो काफी टाइम लगेगा. तो बेटर यही होगा कि आप उन 4 इयर्स वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करें. 3 इयर्स तक तो ठीक है, लेकिन 4 इयर्स 5 इयर्स अगर आता है तो अवॉइड करें, स्किप करें क्वेश्चंस को एंड बाकी के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करें. अगर एंड ऑफ द एग्जाम टाइम है आपके पास, कुछ टाइम बचा है, तब आप इन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं. सिंपल इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे अगर 10 इयर्स के लिए भी दिया जाए बहुत इजी होगा, राइट. मान ले रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13% पर आना एंड टाइम पीरियड है 9 इयर्स, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 13% × 9 = 117%. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ईजी नहीं है, राइट, नेम से ही पता चल रहा है कंपाउंडिंग प्रोसीजर है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल प्रोसीजर है, राइट. तो ध्यान रहे 2 इयर्स एंड 3 इयर्स तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करें, 4 इयर्स हो तो केयरफुली आप उसे ट्राई करें, 4 या मोर देन 4 इयर्स हो. एंड फॉर्मूला अगर यूज करना चाहे जो एक्चुअल फॉर्मूला है p into 1 plus r by 100 whole to the power of t minus p, अगर वो फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप सॉल्व ना ही करें, क्योंकि उसमें अगर आपको 3 इयर्स के लिए भी सॉल्व करना हो तो काफी टाइम लगेगा, राइट. तो कंक्लूजन यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप a प्लस b प्लस ab बाय 100 परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके ही सॉल्व करें तो आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे. ऑलराइट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का स्मार्ट मेथड डिस्कस करने के बाद चलिए अब सॉल्व करते हैं एक और एग्जांपल मॉडल 2 से. मनीष डिपॉजिटेड सम मनी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 2 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट. हाउ मच मनी वॉज डिपॉजिटेड इफ ही गेट्स रुपीज 11,236 ऑन मैच्योरिटी. सो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है. क्या हुआ यहाँ पर, मनीष ने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है, डिपॉजिटेड सम मनी इन ए बैंक, किस रेट पर, 6% पर एनम. तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड दिया गया है 2 इयर्स.
हाउ मच मनी वॉज डिपॉजिटेड इफ ही गेट्स रुपीज 11,236 ऑन मैच्योरिटी. तो सबसे पहले हाउ मच मनी वॉज डिपॉजिटेड का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, राइट. जो भी हम डिपॉजिट करते हैं उसे प्रिंसिपल अमाउंट कह सकेंगे, राइट. सो यहां पर हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है. इफ ही गेट्स रुपीज 11,236 ऑन मैच्योरिटी. अब इस 11,236 का मीनिंग क्या है, ध्यान रहे, ये इसे कब मिल रहा है, मैच्योरिटी पर. मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, जो टाइम पीरियड 2 years है ये कंप्लीट होने के बाद, राइट, ये मैच्योर होने के बाद इसे ये अमाउंट मिलेगा. अब आप अगर ऑब्जर्व करें, जब भी कुछ अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, राइट, जो कुछ भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया हो, 2 years के बाद आपको जो भी मिलता है वो टोटल अमाउंट ही होगा, राइट. सिर्फ इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा नहीं, राइट, जो आपने डिपॉजिट किया है वो प्लस इंटरेस्ट मिलाकर जो टोटल अमाउंट होगा वो आपको दिया जाएगा 2 years के बाद. लेकिन इसे 2 years के बाद कितना मिला है, 11,236 ऑन मैच्योरिटी. सो क्लियरली ये जो 11,236 दिया गया है ये है टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इस पर्टिकुलर केस में. तो टोटल अमाउंट हमें दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है एंड टाइम पीरियड दिया गया है. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच मनी वाज डिपॉजिटेड, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पी हमें कैलकुलेट करना है, राइट. तो जैसे हमने डिस्कस किया था, अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. और अगर फॉर्मूला आप देखें, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर ऑफ टी. अगर फॉर्मूला यूज करना चाहे तो बहुत ईजी है, राइट. ए होगा 11,236, पी हमें कैलकुलेट करना है, आर है 6% एंड टी है 2 years. सब्स्टिट्यूट करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन जैसे कि हम डिस्कस करते आए हैं, फॉर्मूला यूज करना जरूरी नहीं है अगर आप इस कंपाउंड इंटरेस्ट के परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%, राइट. कंपाउंड इंटरेस्ट हम कह सकते हैं होगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%. तो देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करनी. सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट हम परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं. तो क्या आएगा, 6 + 6 + 6 × 6/100, राइट. ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, राइट. एंड इनफैक्ट पेपर वर्क भी करना जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. 6 + 6 होगा 12, 6 × 6 = 36, 36 / 100 = 0.36, 12 + 0.36 हो जाएगा 12.36. सो बेसिकली टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है 12.36%. अब अगर देखें आप, अमाउंट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. कंपाउंड इंटरेस्ट है 12.36%, प्रिंसिपल जैसे कि हम डिस्कस करते आए हमेशा 100% होगा, चाहे जो भी केस हो प्रिंसिपल को हमें 100% कंसिडर करना है. तो प्रिंसिपल है 100%, यानी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 12.36, 112.36%. तो टोटल अमाउंट ए इज इक्वल टू 100% + 12.36%, ये होगा 112.36%. लेकिन क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दिया गया है 11,236. हमें कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल होता है 100%. दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो 112.36% इज इक्वल टू 11,236, 100% इज इक्वल टू व्हाट. बस इसी स्टेप को अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपको प्रिंसिपल का अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, राइट. एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं, राइट. देखें अगर आप 112.36 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 112.36 आएगा, 11,236 आएगा. तो अगर ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई होना होगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल रहेंगे, राइट. दोनों प्रोपोर्शनल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले अगर ये नहीं आपको समझ में आता है. सो बेसिकली आइडिया ये है, इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11,236 आएगा, तो इसे भी 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. अब 100 × 100 कितना होता है, 10,000. सो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल इस केस में होगा 10,000, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000. तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली बिना फॉर्मूला यूज किए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ये स्टेप आपको पेपर पर करना है नहीं, इस स्टेप को भी आपको पेपर पर लिखना है नहीं, ये भी आप अवॉइड कर सकते हैं, राइट. सो बेसिकली मेंटली आप इस कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले क्वेश्चन को लेस देन 10 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं. तो ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. सिंपल इंटरेस्ट होता है ए प्लस बी परसेंटेज, यहाँ पर ए है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, बी है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड ईयर. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%. ए एंड बी आर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर रिस्पेक्टिवली.